ये है रांची का रॉक गार्डन और यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने लायक, दिखाने लायक। तो आज हम इस ब्लॉग में आपको रांची की रॉक गार्डन को सैर कराने वाले हैं, जिसे लवर्स पॉइंट ऑफ रांची भी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। ये रॉक गार्डन का टिकट घर है, जहाँ पर हेड 30 रुपीज़ चार्ज है। और ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे टिकट चेक होता है। और ये इसके मेन गेट है। डैम का व्यू जो कि रॉक गार्डन से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग पे आपको बताया था कांके डैम ब्लॉग में, कि इसके बगल में ही जस्ट रॉक गार्डन है। और यहाँ से ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे छोटा सा पार्क भी है जहाँ लोग बैठते हैं। ये सिटिंग एरिया है। काफ़ी लोग आ चुके हैं पार्क में, काफ़ी क्राउडेड है। और अब हम जाएंगे हैंगिंग ब्रिज पे। ओके, रॉक गार्डन में एक हैंगिंग ब्रिज भी है जहाँ अभी हम जाने वाले हैं, छोटा सा। जैसा कि आप देख रहे हैं वो हैंगिंग ब्रिज, और जैसा कि जाके देखेंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी क्राउडेड है वो ब्रिज। पता नहीं हमें जगह मिलेगी कि नहीं। नहीं, हम और हम हैंगिंग ब्रिज पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे ये छोटे छोटे फाउंटेन भी हैं। और ये बहुत ही खूबसूरती से हमारा वेलकम हो रहा है। तो हम अब हैंगिंग ब्रिज से बाहर आ चुके हैं, अब आपको यहाँ पे कुछ और दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर पौधे भी हैं यहाँ पे और काफ़ी ग्रीनरी भी है। रेस्टोरेंट भी प्रेजेंट है, वो डैम कैफे। और ये कोल्ड ड्रिंक काउंटर। चलते हैं अब इस रेस्टोरेंट के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा रॉक है, आपको हर तरफ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज रॉक गार्डन, दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ रॉक गार्डन। तो हम चट्टानों को पार करके अब रोड की तरफ आ चुके हैं, काफी मेहनत। और अब इधर से उतरने के तरफ यहाँ पे कुछ राइड्स भी है, जा कौन कौन सा राइड है फिर आपको उसका फोटो भी दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सा राइड है। यहाँ एक स्पेस शिप भी है लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है अभी। बहुत सारा राइड लग रहा है यहाँ पे अभी बंद है, मेंटेनेंस है, नहीं चल रहा है। फिर भी देखते हैं कि और क्या क्या है, बच्चों के लिए कुछ है। ये स्पेस राइड का अंदर का सीन है जो कि अभी बंद है। लोग अपने से ही बैठे हुए हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना ही कोई चलाने वाला। लोग यहाँ खुद एंजॉय कर रहे हैं। बाय 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 बाय।
नाउ कम। हाँ तो बताइए, घोड़े की सवारी करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई टिकट देना नहीं था, बट फिर भी घूम सकते बस ये था कि खुद से घुमाना होता था और खुद से एंजॉय करना हो रहा था। आपको भी ट्राई करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, और ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा रोलर कोस्टर, जो भी जो वो भी ऑपरेशनल नहीं है अभी, तो उसमें तो खुद से झूल नहीं सकते, तो हम लोग भी मौजूद है जिसमें हॉरर हाउस है, हम नजदीक जाके देख सकते हैं इसको। यहाँ एक प्यारा सा पप्पी भी है। शाम हो गई है, अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर। फाइनली 9:30 पे हम घर पहुँचे, और घर पहुँच के हमें क्या मिला? हमारे बिल्डिंग के मेन गेट का डोर लॉक था, फिर हमने ओनर को कॉल किया, उन्होंने केयर टेकर को कॉल किया, तब जाके हम 10 बजे तक फाइनली अपने फ्लैट में पहुँचे। और घर पहुँचने का इतना लेट से रीज़न ये है कि इन्होंने क्या सरप्राइज प्लान किया था, जो कि मुझे पता नहीं था, तो मैं थोड़ा बहुत ही उसमें वीडियो कर पाई हूँ, तो आई होप आपको पसंद आएगा और मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा एंड पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय। Cause you know what's on my mind, mere dil di gali da vich aana, ae munde aa kuch to na ja, ae kare na kar mere naal ve soni ye। Main dishes ki items rakhi hui hai, veg aur non veg dono kuch hai yahan pe, aur is jagah pe dessert ke liye pastry hai, brownie hai, jo bhi hai। मैं तेरा।